चमोली के सभी ब्लॉकों में शुरू हुआ वैक्सीन टीकाकरण। उत्तराखंड के चमोली जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का सोमवार से टीकाकरण शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग में जिले के 1.68 लाख लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य है। जो लोग वैक्सीन के लिए आरोग्य सेतु या कोविन पर पंजीकरण करवा चुके हैं, उन्हें नियमानुसार स्लॉट अलॉट किया जा रहा है और स्लॉट के अनुसार टीकाकरण किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन केंद्रों पर भीड़ ना लगे। जिले में सोमवार को 3 ब्लॉकों में कर्णप्रयाग, थराली और गोपेश्वर में ही वैक्सीनेशन हो पाए थे। जिले में वैक्सीन की पूरी खेप पहुंच जाने पर मंगलवार से सभी ब्लॉकों में टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। जिलाधिकारी की पहल पर सोमवार को मीडिया प्रतिनिधियों एवं विभागीय कर्मकारियों का टीकाकरण भी किया गया। जनपद में 36 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पीड न्यूज 17। हमारे जिले को कल शाम को 6000 डोजेस वैक्सीन की मिल चुकी हैं, जो कि 18 से 44 वर्ष के लिए है। और उसी के क्रम में आज 3 ब्लॉक्स में, यहाँ गोपेश्वर में, कर्णप्रयाग और थराली में वैक्सीनेशन के कैंप शुरू कर दिए गए हैं और लगभग 900 लोगों को आज वैक्सीन लगी। और इसके बाद कल से सभी 9 ब्लॉक्स में वैक्सीनेशन की जो स्लॉट्स हैं उसको ओपन कर दिया गया है और कल से सभी ब्लॉक्स में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य होता रहेगा।